तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके लिए रामायण से जुड़े हुए सवाल और जवाब लेकर। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल झटपट ज्ञान पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों ये रहा आपका पहला सवाल। रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है शुक। सवाल नंबर दो। हे राम, तुमने शिव का धनुष तोड़ दिया है, उसी समाचार को सुनकर मैं एक अन्य उत्तम धनुष लेकर तुम्हारे पास आया हूँ जिस पर तुम बाण चढ़ाओ, श्री राम से ये शब्द किसने कहे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है परशुराम। सवाल नंबर तीन। वज्र नामक अस्त्र किस ऋषि की अस्थियों से बनाया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है दधीची। सवाल नंबर चार। रामायण के अनुसार उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्त वर्णी था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लोहित सागर। सवाल नंबर पाँच। शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है रभस। सवाल नंबर छह। उस राक्षस का क्या नाम था जिसने सीता की हत्या न करने के लिए रावण को समझाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सुपर्व। सवाल नंबर सात। अमरावती किसकी पुत्री का नाम था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इंद्र। सवाल नंबर आठ। वह महर्षि कौन थे जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता का शीश काट लिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है परशुराम। सवाल नंबर नौ। लक्ष्मण, हनुमान, भरत और शत्रुघ्न को किन दो भाइयों ने युद्ध में परास्त किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लवकुश। सवाल नंबर दस। रामायण कालीन काशी का वर्त नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वाराणसी। सवाल नंबर ग्यारह। मारुति किस देवता का नाम है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वायुदेव। सवाल नंबर बारह। श्री राम समुद्र से मार्ग देने के लिए विनय करते हुए उसके तट पर कितने दिनों तक प्रतीक्षा पे बैठे रहे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है तीन दिन। सवाल नंबर तेरह। वानर युद्धपति केसरी किस पर्वत पर निवास करता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कंचन। सवाल नंबर चौदह। रावण के एक सेनापति वीरूपक्ष का वध किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है हनुमान। सवाल नंबर पंद्रह। संपाति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 100 योजन। सवाल नंबर 16। हनुमान ने किस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघने हेतु छलांग लगाई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है महेंद्र पर्वत। सवाल नंबर 17। राजा जनक की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सुनैना। सवाल नंबर 18। लंका तक पहुंचने के लिए हनुमान ने कितनी योजन चौड़ा समुद्र पार किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 100 योजन। सवाल नंबर 19। पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गोदावरी। सवाल नंबर 20। राम गीता का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है जिसमें श्री राम ने लक्ष्मण को आत्मज्ञान दिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अध्यात्म रामायण का उत्तरकांड। सवाल नंबर 21। पंचवटी जाते समय श्री राम को कौन मिले थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गिद्धराज जटायु। सवाल नंबर 22। सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने वानर सेना को कितना समय दिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है एक माह। सवाल नंबर 23। जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के पहले छंद की रचना की थी उस समय उनके साथ उनके कौन शिष्य थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है भारद्वाज। सवाल नंबर 24। किस पर्वत पर सुग्रीव ने श्री राम की मृत्युता हनुमान के माध्यम से हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मतंग। सवाल नंबर 25। खरदूषण के मारे जाने की सूचना लंका में रावण को किसने दी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अंकंपन। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी आपके दोस्तों तक भी पहुँच सके। तो दोस्तों जल्दी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में और भी बहुत सारे सवाल और जवाब लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।